हेलो, आज हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे डिवीजन। ओके, डिवीजन क्या है? कहता है डिवीजन है हमारे पास, कहता है द डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन क्या है? इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब इनवर्स क्या होता है? उल्टा। मल्टीप्लिकेशन का क्या है? उल्टा है डिवीजन। समझे ना? जैसे कंडीशन वन दी गई है, जिसको फर्स्ट कंडीशन का हुआ हमें, कहता है इन डिवीजन सम द नंबर टू बी डिवाइडेड। कहता है इन डिवीजन सम में क्या होता है? कहता है द नंबर टू बी डिवाइडेड, जो नंबर डिवाइड किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। ओके, फिर क्या कहता है? सेकेंड कंडीशन, ओके, द नंबर विच डिवाइडेड, जो नंबर क्या कर रहा है? कहता है द नंबर विच डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइजर। ठीक है, जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। ओके, एंड द रिजल्ट ऑब्टेन इज कॉल्ड द क्वेश्चन, जो रिजल्ट हमें मिलेगा डिविडेंड को डिवाइड करने पे, डिवाइजर से डिवाइड करने पे जो रिजल्ट मिलेगा उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहते हैं। फुल स्टॉप। द नंबर रिमेनिंग इन द एंड, जो नंबर एंड में बच जाता है उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड द रिमाइंडर, इज कॉल्ड द रिमाइंडर। एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे डिवाइडेड 17 बाय 5, डिवाइड क्या करेंगे हम? 17 को करेंगे किसे? 5 से। क्लियर? डिवाइडेड 17 बाय 5, डिवाइड कैसे करते हैं? जे लिखा हमने डिवाइजर, दैट इज 17, दैट इज 5, राइट? 17 को डिवाइड करने किससे? 5 से। अब करेंगे हम, क्या आएगा हमारे पास? देखो जे जो डिजर है, जे बांड क्या है? 5 से छोटा है ना भाई, छोटा, तो इससे जे डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? टू डिजिट नंबर लेना पड़ेगा। अब आपको टेबल पढ़ना है 5 का, कहां तक? 17 तक, जहां पे वैल्यू 17 है, 17 आए या 17 से कम आए, ऊपर होगी मतलब 17 से बड़ी होगी, बड़ी नहीं। जैसे 5 का टेबल पढ़ो, 5 × 3 कितना आता है? 15, राइट? 5 × 4 करो कितना आता है? 20। अब देखो जो जे 20 है, 20 जे 17 से क्या है? बड़ा है, तो इसको हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। अब क्या बच गया? 5 × 3 = 15, जे इससे छोटा है, जे ले लेंगे। अगर 17 हो तो आए, बट 5 के टेबल में होगा तो 17 नहीं आता है, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें? 5 × 3 = 15, क्या आएगा? 15। इससे जहाँ देखो क्या करते हैं डिवीजन में, हमेशा क्या होता है, जहाँ तो जो जो हमें दे दिया होता है ना डिविडेंड, जहाँ तो डिविडेंड पूरा आ जाए या डिविडेंड से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्लियर? और ये क्या आ गया हमारे पास? 17 में से 15 निकाले, दैट इज 2। ओके, हमने अभी आपको क्या बताया? जिस नंबर को डिवाइड किया जाएगा उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसे क्या बोलते हैं? इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जिससे डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और जो जे है, जो सॉल्यूशन आ रहा है, इसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। याद रख रहा आपने? ओके, और इसे क्या कहते हैं? जो बच गया, जो एंड में बच गया, देखो बच गया कि हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। हम आगे यहाँ पे क्या है? 5 है, और यहाँ पे क्या है? 2 है।
J2 इससे छोटा है इसलिए इसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ अगर बड़ा होता तो फिर डिवाइड होना, समझे आप। अब जी इस जो बच गया इसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर। समझ आया कुछ? कुछ क्वेश्चन दो करने के लिए, करोगे पक्का आंसर? मुझे क्वेश्चन और रिमाइंडर बताना है, ठीक है। जैसे हम जब इसको डिवाइड करते हैं लास्ट में ऐसे लिखते हैं, हम क्वेश्चन क्या है 3 एंड रिमाइंडर क्या है 2, ऐसे लिखते हैं। आपने मुझे, मैं जो अभी आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं, कमेंट करके मुझे बताना है कि क्वेश्चन क्या है और रिमाइंडर क्या है, ठीक है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, 18 डिवाइजर बाय 8 डिवाइड है ना, एक क्वेश्चन, दूसरा 23 को डिवाइड करना है किससे, 3 से, ओके। एक और दे रहा हूं 39 को डिवाइड करना है किससे, ये भी 3 से, ओके। इन सब के मुझे आंसर बताना है। अब हम क्या जा रहे हैं, एक और टॉपिक बताते हैं हमको, और अभी हमारे पास क्या, डिवीजन बाय मल्टीपल्स ऑफ 10, मतलब हमें डिवाइड करना है जो किसके मल्टीपल हैं 10 के। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, 496 डिवाइजर बाय 10, 496 को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है किससे, 10 से। देखो क्या आएगा, जहां पे डिवाइजर डाला 496 को डिवाइड करना है किससे, 10 से। इसे क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं से बोलो, डिविडेंड, क्या कहते हैं डिविडेंड। और इसे क्या कहते हैं, क्या डिवाइजर, क्या कहते हैं डिवाइजर। अब जब अभी आएगा इसको डिवाइड करना हमें, देखो पहले तो जी जिसे देखना हमें, 4 10 से बड़ा है छोटा है, छोटा तो जी 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट नंबर लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, 2 डिजिट नंबर कौन है 49 है ना। अब 10 का टेबल बढ़ो 49 तक, देखो आपको पता है 10 4 जो कितना आता है 40, राइट। अब 10 5 जो कितना आता है 50, पता है ना, ये मतलब है। अब देखो 10 4 जो 40 और 10 5 जो 50, अगर मैं यहां पे 50 लिखूंगा 49 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या करना है, बड़ा नहीं लेना है, हमने क्या लेना है, छोटा लेना है, इसलिए इसको क्या कर देंगे रिजेक्ट, और कौन रहेगा 40, इसका मतलब 4 10 जा क्या आ जाएगा हमारे पास, और 10 क्या आ जाएगा 40, अंडरस्टैंड, 4 10 कितना आ जाएगा 40। अब यहां से क्या 9 माइनस 0 9 ही रहता है, और ऊपर आ गया 6, क्लियर। अब 10 का टेबल फिर से बढ़ो, ये कितना आ गया बस 10 96 है ना, तो 10 9 जो कितना आ जाएगा 90, अगर 10 10 जो करोगे 100 आएगा, 100 क्या हो जाएगा 96 से बड़ा हो जाएगा कि नहीं बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है 10 9 कितना आएगा 90, और 96 मतलब 6 में से 0 निकाल दे 6, 9 में से 9 निकाल दो तो 0 रहेंगे, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है 49, रिमाइंडर क्या है 6। समझ आया आपको कैसे डिवाइड करना है, का क्वेश्चन दे दूंगा और ठीक है, क्वेश्चन देता हूं खुद करना है आपने, सेम ऐसे ही, ओके। थोड़े से बड़े बड़े ले लो, ओके। जैसे ले लो मैं 3198 को डिवाइड करोगे आप किससे, 1000 से, सॉरी
हंड्रेड से, ठीक है, 75839 डिवाइजर बाई 1000, ठीक है, ओके बोले दू तो 364 किससे, पेन से, ठीक है। अब क्या दे रहा हूं मैं, 6240 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 100 से, किसे करेंगे हम, 100 से, ओके, तो 10 से, 10 से करते हैं, इस बार 10 से करते हैं, 100 वाला लिख लेता हूं, 29600 किससे, जे मैं 100 से देता हूं, ओके, इनके आंसर बताने मुझे आपने, पक्का, ठीक है। और साथ में अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं आपके लिए कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको उसका क्या आ जाए, नोटिफिकेशन, ओके, समझ गए ना, पक्का बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।